अपनी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सादा पीको के साथ शेल कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले सादा पीको सिखाई थी हर साइज़ की, और उसके साथ आप ये शेल कैसे बना सकते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको वी स्टिच के साथ ये शेल बनाने सिखाए थे, तो अब सादा पीको के साथ शेल कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने शेल बनाना है, तो तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बना के अब ये जो यहाँ पे पीको बनाई है इसके अंदर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए चेन के ऊपर क्रोशिये के ऊपर बल डालेंगे, और ये जो पीको बनाई हुई है इसके अंदर से यहाँ से क्रोशिया पीछे लेके जाके अपनी तरफ को लेके आएंगे धागा, ऐसे डबल क्रोशिया बन जाएगा। पहले क्रोशिये के बल चढ़ा के दो जो चेन है वो उतार दी, अब फिर क्रोशिये के ऊपर बल चढ़ा के ये वाली दो चेन उतार दी, ऐसे ये एक डबल क्रोशिया बन गया। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह से, ऐसे अब ये दो डबल क्रोशिया बन गए। ऐसे ये तीन चेन बनाई थी, उसके बाद दो डबल क्रोशिया बनाए थे, ऐसे ये छोटा सा शेल बन गया। अब इसको कपड़े के साथ यहाँ पे सिंगल पिको लेके, ऐसे सिंगल एक क्रोशिया लेके कपड़े के साथ इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, और ये जो शेल बनाया ये कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा। अब दरमियान में थोड़ा सा फासला रखने के लिए यहाँ पे दो चेन बनाएंगे, दो चेन बना के जैसे सादा पीको बनाते हैं उसको कपड़े के अंदर सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर से दो चेन बना के कपड़े के अंदर सिंगल क्रोशिया लेंगे, अब फिर यहाँ पे शेल बनाएंगे। ये वाले शेल अगर आप साथ साथ बनाना चाहें तो साथ साथ भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दरमियान में ये चेन बनाएं, ये सादा पीको बनाएं, ये साथ साथ भी बना सकती हैं। तो मैं फिर से आपको बताती हूँ शेल कैसे बनाना है। तीन चेन बना के, और ये जो शेल हैं ये भी हर साइज़ के बनते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा शेल मैं बना रही हूँ। तीन चेन बना के जो पीको है इसके अंदर से ऐसे क्रोशिया दूसरी तरफ लेके जाएंगे, धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, डबल क्रोशिया बन जाएगा। डबल क्रोशिया पहले ऐसे ये दो चेन उतारते हैं, और फिर से क्रोशिया के ऊपर बल डाल के ये वाली दो चेन भी उतारते हैं, फिर से क्रोशिया के ऊपर बल डाल के उसी जगह से क्रोशिया पीछे लेके जाएंगे, और ये धागा क्रोशिया के ऊपर डाल के ऐसे आगे लेके आएंगे, क्रोशिया के ऊपर बल डाल के ये पहले दो बल उतार देंगे, ये वाली दो चेन उतर जाएंगी, फिर दो चेन है, फिर क्रोशिया के ऊपर बल डाल के ये दो चेन उतार देंगे, तो फिर ये छोटा सा शेल बन गया। अब ये कपड़े पे यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, यही वाला शेल साथ साथ भी बना सकते हैं। अगर दरमियान में फासला हमने नहीं छोड़ना तो यहाँ पे फिर से शेल बना के शेल बनाने के लिए तीन चेन बना के यहाँ से फिर से डबल दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे ये एक और शेल बन गया। इसको यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया लेंगे, ऐसे ये शेल साथ साथ भी बना सकते हैं। अगर दरमियान में फासला छोड़ना है फासला भी छोड़ सकते हैं।
से मैं आपको बताती हूँ कि शेल कैसे बनाते हैं। तीन चेन बना के फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है इसके अंदर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया पिछली तरफ लेके जाके धागा अपनी तरफ लेके आएंगे ऐसे, एक डबल क्रोशिया फिर दूसरा बनाएंगे, तीन चेन और दो डबल क्रोशिया बन गया, फिर एक और शेल बन गया। इसको फिर ऐसे कपड़े के ऊपर सिंगल क्रोशिया लेके ऐसे ये हम शेल बना सकते हैं, दरमियान में फासला छोड़ के भी और साथ साथ भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। आप ऐसे ये शेल बना सकते हैं। ये सिंगल शेल बनाया है। अब अपने आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यही अगर फुल शेल बनाएंगे तो कितना प्यारा फूल बन जाएगा पीको के ऊपर। मैं आपको बताऊंगी कि फूल पीको के ऊपर फूल फिर कैसे बनाते हैं और फिर वो मुकम्मल एक लैस बन जाती है। तो इसलिए फिर आप मेरे आने वाली वीडियो ज़रूर देखें।